कथा की जाए चला किस बजे खत्म करते आप कीर्तन करोगे दादो से करो करो सुशी से दीदी नहीं वो पीछे जा आप पीछे श्रील गुरुदेव की गुरुदेव तुमको नमो बार बार हो बार बार हो आए शरण तुम्हारी हमें बार बार हो बार बार हो गुरुदेव तुमको नमो बार बार हो बार बार हो आए शरण तुम्हारी हमें बार बार हो बार बार हो हरि नाम रूप नाम संबली हो तुम संबली हो तुम हरि नाम रूप
के गीत गुच्छ नहीं, जो गुच्छा आपके पास वही बोलो, सब गीत है तो नहीं भूलोगे नहीं तो बोलो। माइक नजिक ले। Oh,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. गुजराती में जी वो गुजराती में बोलो हंसी मजाक मत ठीक से बोलो जब महाराज जी ने आज्ञा दिया कि मेरा जी के शुद्धि करने के लिए मैं कुछ प्रयास करूंगा बोलने के लिए महाराज जी हम आत्मा का बारे में बोल रहे निकल जब आत्मा के कल्याण कैसे होता हो सकता है हम जानते नहीं है लेकिन हमारा हम सब भौतिक संसार में रहते हो हमारा देखभाल करते घर को परिवार को
जब काम पर जाते हैं, ऑफिस का काम सब कुछ करना पड़ता है खाने के पेट के लिए, वो हमारा हम इसमें सुख मानते हैं, जो गुरुदेव बताते थे 10-15 मिनट पहले, वो सुख मानते हैं, लेकिन वो सुख नहीं है, सच सुख नहीं है। सुख सारे सुख हमारा आत्मा का सुख, आत्मा का कल्याण से सुख, वो सच है, वो सही सुख है। तो उस मार्ग में हम जाने के प्रयास करे हैं, हम सब भक्त इकट्ठे हो गए, सत्संग करे हैं, किसके लिए? हमारा आत्मा के कल्याण के लिए। इसके पश्चात हम आत्मा के कल्याण, भगवान के भगवान का धाम प्राप्त करें, भगवान की भक्ति प्राप्त करेंगे, वो भगवान और भक्त का सेवा मिलेंगे, जिस हम सबसे उत्तम सेवा मानते हैं श्रीमती राधिका चरण कमल में दासी बनना, वो हमारा सबसे उच्च लक्ष्य है, जिसने हम हमारा गुरुदेव हमको दिया है, वो हमारा धन है, वो धन हमारे पास रख के उसके देखभाल करके उसके कठे कर और कोई उसके डिस्टर्ब मत करे, वो कोई छीन ना ले, हम ध्यान उसमें रखते हैं। ध्यान कैसे छीन लेते हैं? जो कोई असत्संग में हम आ जाते हैं, वो संग में चले जाते हैं, तो उसको सत्संग में ध्यान रखना पड़ता है, किसका संग हम करते हैं, कैसे अच्छा संग, अच्छी उच्ची प्रकार की अच्छी कोटि के संग हम लेना चाहिए। तो इसलिए हमारा सौभाग्य है श्रीपद भक्तिवेदांत मोहन महाराज हमारे साथ ही है, और वो हमारा हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं कैसे जीवन का लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते। तो इस प्रार्थना से हम यहाँ मेरा थोड़ा कथा को विराम करता हूँ, बहुत बता नहीं सकता हूँ, माफ़ कीजिए, और महाराज जी बताएंगे और ज़्यादा। हरे कृष्ण। क्या नाम है? कहाँ चले? अच्छा वो मज्ञान सदाकया तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पञ्चाकल्पद्रुवश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसीमाद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसीमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज का भाई चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसीमाद भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज भक्तिवंत पुरी गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथाथ दंडवत प्रणाम स्वीकार। अभी अभी आप लोगों ने श्रवण किया, प्रभु ने सुंदर रूप में बताया इस संसार में जीव कैसे भ्रमण करते जा रहे हैं, कैसे हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर हम भ्रमण करते जा रहे हैं, क्यों तो हमें पता ही नहीं है। पता है क्यों पता नहीं है? माया के द्वारा हम मोहित हुए इसलिए पता नहीं चलता। इसे श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के इसी कथा को भी सुनाया, और इसी कथा को संग कपिल देव माँ देवभूति के भी सुनाया है। तृतीय स्कंद में कपिल देवभूति के संवाद वर्णन है। संग कपिल देव
अपने माँ को कहने लगे, देखो माता, देखो संसार के जीव इतने माया के द्वारा मोहित हुए हैं, उसे पता ही नहीं है ये कैसे भ्रमण करते जा रहे हैं और बिल्कुल कैसे लगते हैं उल्टी तरफ हम लोग चल रहे हैं, जैसे जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए हैं है। तो ट्रेन जब जिस दिशा में चलती है दौड़ती है और जितने भी ट्रेन की आसपास में रहने वाले जितने भी वृक्ष आदि जो है घर मकान आदि, वो किस तरफ दौड़ते हैं है? पीछे की तरफ है। आपके ऐसे लग रहे हैं मैं तो स्थिर बैठा हूँ और सब ये सब वृक्ष पेड़ मकान आदि सब सब दौड़ करके पीछे भाग रहे हैं है? सब ऐसे ऐसे भाग रहे हैं, ये लोगों के प्रतीत होता है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जीव अपने को अनुभव कर नहीं पाते कि हम एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे हम जा रहे हैं है? इसी के कहा जाता है जन्म मृत्यु भी कहा जाता है। जीव एक शरीर में आ जाते हैं, उस समय तक इस शरीर में रहता है, जब तक इस शरीर में रहता है तब वो शरीर के ही अभिमान लेकर के चलते हैं। जैसे अभी हम इस शरीर में आए हैं, इस शरीर के स्त्री पुरुष आदि है, हम अभिमान कर रहे हैं। फिर एक समय आने पर ये शरीर हम छोड़ करके चले जाएंगे, दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे और पूरा जन्म की कथा हम सब भूल जाएंगे है? भूल जाएंगे, वो अपने माता पिता परिवार जन जो कुछ भी देख रहे सब भूल जाएंगे। फिर जिस गृह में जिस मातृ गर्भ में हम जन्म लेंगे उसकी कथा हम स्मरण रखेंगे। तो इसी प्रकार जीव इस संसार में अनंत काल तक घूमते जा रहे एक ही चक्का है। हे माता, इस संसार में जीव उसी प्रकार अनेक प्रकार रोग शोक आदि भुगते रहते हैं, आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक त्रिताप जल के द्वारा वो झुलसते रहते हैं, दुखी रहते हैं है। किंतु इस संसार में भ्रमण करते करते जिस समय सत्संग प्राप्त कर लेते हैं और संत सतगुरु के चरणाश्रय करके जब भजन आदि शुरू करते हैं तो भजन करते करते ये सब अनुभव होगा है। भजन करते करते अनुभव होगा ये देखो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? आत्मा है। जैसे घर मैं नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? घर के अंदर रहने वाले हैं, घर के स्वामी हूँ, घर के मालिक है। घर में मैं रहता हूँ किंतु घर मैं नहीं हूँ, इसलिए हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? माई हाउस कहते हैं है? आई हाउस नहीं कहा गया, क्या कहते हैं? माई हाउस, मेरे घर मैं घर नहीं हूँ। उसी प्रकार हम भी कहते हैं मेरा शरीर, हम कहते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, क्या कहते हैं? मेरा शरीर, और रोज हम यही कहते रहते हैं है? तो मैं कौन है, उसी के हमारे शास्त्र कहते हैं मैं कौन है? मैं आत्मा, मैं भगवान के दास है। जीवे स्वरूप है कृष्ण, हम कृष्ण के नित्य दास है, सेवक है, दास माने सेवक है, सेविका है। किंतु भगवान की सेवा भूल करके इस संसार में हम भ्रमण करते जा रहे हैं। किंतु जब साधु गुरु रूपी वैद्य हमें प्राप्त हो जाएगा और उनके उपदेश रूपी मंत्र जब हम ग्रहण करेंगे और मंत्र जब जप करते करते तो अनुभव होगा है। जब हम नाम मंत्र आदि जप नहीं करेंगे अनुभव नहीं होगा है। हम भी जानते नहीं किसमें हमारे मंगल है, भला किसमें होगा हम नहीं जानते है। तो कौन बताएंगे? गुरुदेव बताएंगे है। हमारे अभी कहते आ रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम सुनेंगे है। छह गोस्वामी के नाम सुना क्या? बताया नहीं सुना? स्वरूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास
है रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, जीवो गोस्वामी पाद, गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद और रघुनाथ दास गोस्वामी, ये छह गोस्वामी के नाम शास्त्र में है। इसमें रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा भी इसमें वर्णन है, बहुत सुंदर है। बहुत धनी घर के लड़का थे, एक लौता बेटा था वो है, माता पिता की एक ही बेटा था रघुनाथ दास, बचपन से वैराग्य भी वैराग्यवान भी थे, हरदास ठाकुर संग किया, भजन भी करता था, है ऐसे नहीं है। लोग कहते घर में रह करके भजन नहीं होता, ऐसे नहीं, जो भजन करता है ना कहीं भी रह करके भजन कर सकता है, जो भजन नहीं करता है कहीं भी रह के भजन नहीं करता है। ऐसा जो जिसको करना है कहीं भी करेगा, जो नहीं करेगा उधर उधर बस घूमता रहेगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर में रख कर भजन भी कर लेते हैं, नाम करते हैं, क्यों बोले हरदास ठाकुर के संग प्राप्त हुई, संत महात्मा है। इसलिए संत महात्मा सर्वत्र विचरण करते हैं, घूमते हैं, किस लिए, जीवों की संग प्रदान करने के लिए, जीवों की हरी हरी कथा सुनाने के। उसी प्रकार कभी कभी नवाचार्य हरिदास रघुनाथ दास के घर में भी आते थे और नाम की महिमा श्रवण कराते थे। नाम की महिमा क्या है, नाम चिंतामणि स्वरूप, इसे कहते हैं नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामी। नाम और नामी कोई भेद नहीं है, नाम चिंतामणि स्वरूप है। चिंतामणि क्या है, जिसके चिंता करोगे वही फल प्राप्त कर दे देते हैं, इसलिए कहा जाता है इसको, क्या कहते हैं, चिंतामणि। नाम करते करते तुम्हारे हृदय में जो चिंता है, जो इच्छा पसंद हो, नाम प्रभु करा देते, नाम चिंता। कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, साक्षात कृष्ण स्वरूप ही है, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य माने ज्ञान स्वरूप ही है, अज्ञान शब्द नहीं है। नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस और रस स्वरूप है, साक्षात रसमय विग्रह है। नाम कृष्ण, नाम चैतन्य कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध, पूर्ण शुद्ध माने माया के द्वारा नाम कभी कॉन्टेमिनेटेड नहीं होते हैं, निर्मल होता है नाम, निर्मल होता है नाम। जिन कृष्ण जो रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त, माया से मुक्त है, माया उनके पर्सन नहीं कर सकते है, इसी कहा जाता है। नाम क्या है, ट्रांसेंडेंटल कहा जाता है, अप्राकृत शब्द कहा जाता है, ट्रांसेंडेंटल साउंड है। यही नाम करते करते नाम प्रभु की कृपा से उसके अप्राकृत जो है, ट्रांसेंडेंटल जो है आपके अनुभव होगा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी नाम करने में कुछ कष्ट होता है, होता है कष्ट होता है, दो चार फेरा नाम कर लिया रख देता, नींद आ जाती है, सो जाते हैं, अथवा कुछ संख्यापूर्व नाम कर लिया, 10 बार गुरुदेव ने कहा हर रोज कर लो, सुबह दोपहर कर लो और शाम को दोपहर कर लो, कभी कर लेते कभी भी नहीं भी करते, बहुत लोग ऐसे कभी हाँ करते नहीं नाम कर, कभी लोग तो माला भी गायब ही हो जाता है, गायब से तो हो जाता है, माला गायब क्यों हो जाता है मेरे समझ में नहीं आता है, माला खोना नहीं चाहिए है, है? बहुत मूल्यवान वस्तु का हम कैसे रखते हैं, ध्यान से रखते हैं, है ना, इसलिए नाम हमारे सबसे मूल्यवान वस्तु है। खाने के पहले हरि नाम कहाँ रखा देखना पड़ता है, सोने के पहले है नाम की माला कहाँ रखा नहीं रखा, मैं कहता हूँ जब मैं सोने के जाता हूँ कहीं नाम मैं दूसरी जगह नाम रख नहीं देता, बिल्कुल कहाँ रखना चाहिए, सिराहाना में रखना चाहिए, पास पास नहीं, कहाँ रखो, सिर के पास, सिर के पास रखो है, क्योंकि नींद टूटने के साथ ही साथ नाम प्रभु के स्पर्श करो और फिर नाम जप करा शुरू करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि नाम के प्रति तुम्हारे निष्ठा रहे है, जब हमारा कहाँ खो जाएगी,
बहुत मैं देखा नाम माला खो जाता है, दो चार दिन छह दिन के बाद एक साल के बाद इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे तुम नाम के चरण अपराध किया, इसलिए नाम प्रभु बोले तुम्हारे पास नहीं दूंगा, चले नाम के माला खोल खोना नहीं चाहिए, नाम के प्रभु के नाम ध्यान रखो सबसे। देखो एक रुपया हम पकड़ में रखते हैं, ध्यान से रखते हैं कहीं पकड़ में गिर ना जाए, और रखने के पहले हम देखते हैं क्या पकड़ में छेद है कि नहीं, नहीं तो इधर रखा इधर से क्यों गिर जाएगी, है कि नहीं है? एक पैसा को रखने के लिए हमें क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा है, तो उससे कोटि गुण मूल्यवान वस्तु क्या है, परिणाम है, ये माला नहीं है, ये साक्षात भगवत स्वरूप है, गुरुदेव जो नाम दिया ना उसे क्या भगवत स्वरूप दिया, गुरुदेव तुमको हरि नाम दिया हमने, भक्ति ध्यान तो प्रभुपाद कहते हैं गुरु जॉब शिष्य के हरि नाम देते, मैंने हरि ही दे दिया तुमको, तुम्हारे अनुभव नहीं हो रहे, ये माला नहीं है, ये साक्षात भगवत स्वरूप, इसको अनुभव करो, यही नाम जॉब करते करते ये नाम माला नहीं है, ये साक्षात भगवत स्वरूप, जैसे विग्रह है देखो आपके ये विग्रह कितने सुंदर मंद मुस्कान करते, कितने सुंदर उनके गाल जो है कि नहीं, कितने सुंदर है रसगुल्ला जैसे लग रहे हैं ठाकुर जी के है, कितना सुंदर लग रहा है, ये विग्रह नहीं है, इसको कैसे अनुभव, अभी तो लग रहा है ये पत्थर है कि विग्रह है, किंतु यही भजन करते करते ही ठाकुर जी की कृपा से तुम अनुभव होगा, ये ठाकुर जी तुम्हें साथ बात करेगा है, और उसमें क्या व्यवहार होना चाहिए, लौकिक सद्बंध व्यवहार, अपने परिवार के सदस्य है मानना चाहिए है, आप कहीं भी अपने बेटा के लेकर के जाते छोड़ करके आयोगे क्या है, लेकर के आओ, लेकर के गए तो लेकर के आओ, तो नाम उससे भी कम है क्या, छोड़ क्यों देते, मेरा तो समझ भी नहीं आता है, नाम के छोड़ देते, बोले गुरुदेव हमारे नाम माला छूट गया खो गया, क्यों खो जाए है, नहीं खोना नहीं चाहिए, इसके बाद देखो ध्यान रखना चाहिए, जैसे माँ जैसे अपने बच्चे के ऊपर ध्यान रखते हैं कहीं बच्चे इधर उधर चले ना जाए है, ठीक उसी प्रकार नाम प्रभु के प्रति आपको ध्यान रखना चाहिए, आ नहीं तो रख दिया चले गए कोई बात नहीं, 100 रुपया में और एक फिर गुरुदेव तो है, कहेंगे गुरुदेव आप जब करके दे दो, गुरुदेव माना थोड़ी करेंगे, तो ऐसे नहीं है, आजमान जी उसके इतना ही समझो, ये हमारे पास साक्षात भगवान कौन है, ये जपमाला है, नाम जी गुरुदेव ने जो दिया उसको क्या भगवान है, इसे संभाल करके कहते नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त और अभिन्नत्वात् नाम नामी, नाम और नाम में कोई भेद नहीं, हरि से बड़ा हरि का नाम है, हरि से भी बड़ा हरि नाम बड़ा है, फिर कहते नाम चिंता मणि स्वरूप है, जैसे उस दिन वो बता रहे थे एक शिव भक्त था, निष्कपट रूप से लॉर्ड शिव जी को सेवा उपासना करता था है, बहुत दिन तक शिव जी की सेवा उपासना की भजन किया है, करते करते बहुत साल हो गया, इसके पश्चात उसे कुछ पैसा की जरूरत हुई है, उनके बेटी की शादी की था पैसा के लिए है, शिव जी के कहने लगे देखो शिव जी आपको तो बहुत दिन तक मैंने सेवन भजन किया सेवा किया कभी कुछ नहीं मांगा, अभी मेरा बेटी के शादी है, शादी के लिए पैसा चाहिए है, आप कुछ व्यवस्था कर दीजिए, शिव जी साक्षात बोले ये जाओ वृंदावन में जाओ, जमुना के तट पर वहाँ पर एक सिद्ध संत महात्मा रहते हैं, उसके नाम क्या सनातन गोस्वामी है, वो तुम्हें धन दे, देखो शिव भक्त चलते चलते वृंदावन पहुंच गए, ब्रजवासियों को पूछा भाई यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद कौन है, और ब्रज में सनातन गोस्वामी पाद बहुत प्रसिद्ध थे, सभी लोग उसके क्या बोलते थे बड़ी बाबा, बड़ी बाबा कहते थे, याद रखना
ठीक से बोलना है? ये नहीं वो बोल रहे जो शिव जी के प्रणाम करने के भूल गया है पालो है सनातन गोस्वामी प्रणाम करने भूल गया सनातन गोस्वामी को किया था किसी को प्रणाम करके भूल नहीं जाते जो भगवान को चलो सुधारो ठीक से है चलो क्या बोले बड़े बाबा सनातन गोस्वामी बहुत प्रसिद्ध थे ब्रजवासी लोग सबके बड़े बाबा कहते थे बड़े बाबा सनातन गोस्वामी पाद ब्रजवासी के साथ इतने प्रेम मित्रता रखते थे और सब ब्रजवासी लोग उनके घर के सदस्य भी मानते थे सनातन गोस्वामी पाद ब्रजवासी के घर में जाते थे बैठते थे उनके साथ लौकिक सदमधु बहुत कथा भी बोलते थे क्या तुम्हारी बेटी की शादी होगी है क्या तुम्हारी गाय दूध दे रही है कितना दूध देती है जैसे हम संसार में से बात करते ना हमारे सनातन गोस्वामी पाद ब्रजवासियों के साथ उसी प्रकार भी सांसारिक बात भी करते क्यों बोले इससे द्वारा हमारे तुम्हारे साथ हमारे प्रेम प्रति और उसी साथ ही साथ ब्रज की लीला भी स्मरण हो जाता है जो उच्चकटी के संत महात्मा होते ना ऊपर से विषय कथा बोलते हैं किंतु वास्तव में उसके सारी लीलाएं स्मरण होती है इसलिए कभी कभी उच्चकटी के संत महात्मा यदि विषय वार्तालाप भी करें विषय कथा बोले तथापि उस पार उसके साथ बैठ करके सुनो हमारे सनातन गोस्वामी पाद बृहद भगवतामृत ग्रंथ में सत्संग की महिमा वर्णन किया गया है। चलो सनातन गोस्वामी पाद ब्रजवासी को पूछा शिव भक्त बोले यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद कौन है तो कई ब्रजवासी हाँ ये जमुना के किनारे पर मदन मोहन घेरा है वहाँ पर हमारे बड़े बाबा रहते हैं सिद्ध महान तो शिव भक्त आगे आकर के देखा सनातन को सही पाद पर देखा देख कर उनके हृदय तो द्रवीभूत हो है उच्चकटी के बहुत समझाहार जिसको दर्शन करने से चित्त अपने आप द्रवीभूत है हृदय ने उल्लास माने आनंद होने लगे प्रणाम किया आप प्रणाम करके जो आप बैठे सनातन को सही पाद उनके पूछे क्या बात है कैसे आए तो अब उन्होंने कहा जी मेरा इष्ट देव शिव जी ने मुझे आदेश दिया जो आपके पास आने के लिए मेरा बेटी की शादी है आप कुछ व्यवस्था करें सनातन को समय अच्छा धन चाहिए ना हाँ जी बहुत अच्छी बात है सनातन को समय पाद बोले जाओ जैसे कुछ दूर जो है 100 मीटर दूर में एक वो पड़ा हुआ है कि कूड़ेदान पड़ा है डस्टबिन जिसे कहते हैं पड़े हुआ जाओ वहाँ पर एक क्या पड़ा हुआ है पारस पत्थर पड़ा है पर्स मणि जिसे कहते हैं जिसको पर्स करने कराने से लोहा क्या बन जाता है सोना बनता है पर्स पत्थर क्या ले आओ तुम्हें जितने सोना चाहिए धन चाहिए सब मिल जाएगा अच्छा सच है हम तो कभी देखा ही नहीं है परस्पत्तर हम कभी देखा ही तो गए देखा वो टास्क मैंने देखा कूड़ेदानी में ऐसे ऐसे करके देखा एक बार पत्थर जैसे मिला चमकाले नहीं ऐसे परस्पत्तर होता है ना चमकाले नहीं होता है ऐसे लगता है ऐसे साधारण कई जैसे तो उन्होंने क्या कि एक लोहे में पर्स कराया है देखा लोहे में पर्स करने के साथ ही साथ वो क्या हो गया सोना बन गया देखो परस पत्थर है वो लोहे के सोना बनते किंतु अपने सोना नहीं बनता है उसे तुम्हें जितने लोहा ले आओ है जैसे रेल लाइन में लगा दो सारे रेल लाइन क्या हो जाएगा सोने का काट के ले जाएंगे सब चोर सब रात को रात कट कर ट्रेन चल नहीं पाएंगे फिर ट्रेन ही सोना ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगी नहीं ऐसे सारी कट करके ले जा ट्रेन कैसे चलेगी ट्रेन भी सोना बन जाएगा सोने की तो लाइन तो बन जाएगा किंतु रात को रात लोग कट करके ले जो लोहा भी नहीं है तो रेल टिकट मुश्किल हो जाएगा ना
फिर आप लोग के तो मुश्किल होगा, आप लोग रेल में काम करते हो ना, बोले कहाँ रेल लाइन ये गया कहाँ है, पटरी कहाँ गई, पटरी कहाँ गई, रात हो रात सब गायब हो गए, आप समझे। इसलिए कलयुग में परस्पत्तर भी चुप करके रखे। कोई कोई मुझे कहते हैं महाराज ये सब कथा सच है क्या है, आप लोग जो सुनाते हो परस्पत्तर है, परस्पत्तर जी क्या वो परसमणि है, ये लोहे के पर्स करने से सोना बन जाता है, बोले है कि तो सबके पास नहीं है, दर्शन नहीं देते है, भगवान भी कृपा करके उसके छुपा करके रखते, बोले क्यों, मैंने कहा उदाहरण देता हूँ, मजाक करता हूँ, देखो ये रेल लाइन है ना, ये तो लोहा कहाँ मिले है, कोई सोचे अच्छा सारे रेल लाइन को मैं क्या बना दूँ, सोना बना दूँ, पर्स पर्स दे तो साथ ही साथ क्या हो जाएगा, सोना बन जाएगा, और सोना बन जाए तो किसी के पता लगा दे सोने का, तो रात वो रात गायब हो जाएगा, तो तुम चल तुम कैसे करोगे, तुम सफर कर रहे हो ना, नहीं कर पाओ और जितने रेल कर्मचारी है सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, कहाँ गए, उनकी तो पता नहीं है, ये रातों रात सोना बन गया, लोग कट करके ले चले गए, तो इनको क्या होगा, इनके जवाब देना पड़ेगा है? इनके सब कर्मचारी के जवाब देना पड़ेगा, ये रेल पटरी कहाँ गए, कहाँ कौन ले गया, मुझे तो पता नहीं ये सोना बन गया, इसलिए मैं भी मजाक करता हूँ भाई देखो, इसलिए कलयुग में पर्स पत्थर भी है किंतु आत्मा गोपन करके रखे, तुम्हें ये नहीं मालूम है ही नहीं, यदि है नहीं तो शास्त्र में कैसे उल्लेख कैसे, हमारे सनातन गोस्वामी पाद की कथा आज से 500 साल की कथा, देखो वो शिव भक्त ने किया कि कूड़ेदान से उसको उठाया और लोहे को बल स्पर्श कराया, दे देखा उसको तो विश्वास में प्रतीत हो गया है, ये बस आनंद से चलने लगे, आज बड़ी धूमधाम से है करोड़ रुपया खर्च करके अपने बेटी को विवाह कराइए है, उत्सव मनाइए, रास्ते में चलते देखो सनातन गोस्वामी पाद ऐसे संत महात्मा है, उधर शिव जी की भी कृपा हुई, संत महात्मा के दर्शन देखो, हमारे शिव जी के पास हम किस ले जाते हैं, ऐसे उच्च कोटि के संत महात्मा के दर्शन सनातन गोस्वामी पाद, और फिर इधर सनातन गोस्वामी पाद भी उनके हृदय में भी कृपा संचार करते, कैसे कृपा संचार, ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता है, तो चलने लगे मन में एक उनके अपने एक भी प्रश्न हो गया, विचार करने लगे अच्छा ये सनातन गोस्वामी ये बाबा जी जो है शरीर पर तो कपड़ा नहीं है, छोटा सा कपड़ा पहने हुए है, रूख शरीर है और जुबना के तट पर झोपड़ी के झोपड़ी में रहता है, तो ऐसे राजाधिराज महाराज सम्राट को भी देव दुर्लभ जो वस्तु जो है ये परस्पत्तर फेंक करके क्यों रखा है, इसे कौन सा धन के लिए तपस्या कर रहे हैं, इससे कौन सा बहुमूल्य दिन बहुमूल्य वस्तु प्राप्ति होगा, फिर लौट करके आए उनके देखो इसी की कहते हैं साधु संवा, फिर वो लौट करके आया घूम करके आ गया, आकर के सनातन को स्वयं पाद के बोले महाराज मेरे मन में एक शंका है, जब बड़े बड़े राजा लोग भी इसको चाहते हैं तो ऐसे बहुमूल्य धन को आप कूड़ेदानी में फेंक करके रखा और आप यहाँ पर बैठे कौन सा धन के, तो सनातन को स्वयं पाद कहने लगे देखो ये जो परस्पर सोना बना देते हैं इसमें दो वस्तु है, एक तुम धनी बन जाओगे और दूसरी साथ ही साथ वह मृत्यु भय भी होगा, इसके पता चले इसके पास 10 किलो 5 किलो सोना है, एक तो सरकार के पता लगे तो उठा करके ले जाएंगे, सुने हैं ना पेपर में आता रहता है बहुत लोग के पास ऐसे धन है ऐसे सोना है, सेना के बिस्कुट बना करके पैखाने के वो इसमें भी छुपा करके रखते हैं, सीआईडी आकर इसमें फोड़ तोड़ कर चले गए, पेपर में कभी दिखाई देते ना है, बड़े बड़े धनी लोग कहाँ रखे इधर सब, इनकम टैक्स वाले आकर के वो सारे लेकर के चले जाते हैं,
तो इतने कष्ट करके फिर, और दूसरी चोर डकैत बदमाश की पता चले तो रात में आकर के गोली मार कर ले के चले गए, है कि नहीं? ये सत्य है कि नहीं? ये सारे घटना आप लोग सुनते हैं, पेपर में भी आते रहते हैं, इतने घटना चलते रहते हैं। इसलिए आजकल लोग घर में कुछ नहीं रखते हैं, यहाँ तो सोने भी कुछ नहीं रखते, सब कहाँ कहाँ रखते हैं, फिर विवाह के समय उत्सव के समय लाते हैं, पहनते हैं, फिर रख देते हैं। सनातन को स्वयं बात करने लगे, देखो ये सोना इस संसार की वस्तु ये दुखदायी, मैं जो धन के लिए मैं तपस्या कर रहा हूं वो प्रेम धन है, जिसके प्राप्त करने से जीव अनंत काल के लिए भगवत धाम में चले जाएंगे और सुख प्राप्त करेंगे। बोले वो कौन धन है? बोले कृष्ण प्रेम धन। क्या धन? बोले उसकी कैसे प्राप्ति करें? बोले देखो ये जप माल हरि नाम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इस कथा को सुन के उनके मन में ये अच्छी बात, ये धन लेकर के देखो वो गए नहीं, वृंदावन छोड़कर गए नहीं, और सनातन को स्वयं पास से नाम लेकर हरि नाम लेकर के वृंदावन में भजन करने लगे। देखो अंत में भजन करते करते भगवान के साक्षात रूप में प्राप्त कर, इसलिए नाम जप, इसलिए कहते नाम और चिंता मन स्वरूप, ये नाम करते करते जो चिंता करोगे वो तो पूरा कर दे है, किंतु नाम करने करते करते कौन सा जप चिंता होनी चाहिए? मुझे कृष्ण सेवा, न धनम न जनम सुंदरिंग कवितांग व जगदीश कामें मम जन्म जर्मनि श्री भगवता भक्ति संसार की वस्तु नहीं चाहिए कृष्ण प्रेम। अच्छा कोई धन आ जाए तो क्या करना चाहिए? उसको भी भगवान के सेवा में लगा, ये नहीं मुझे नहीं चाहिए। एक कथा सुना रहे थे, एक कपड़ साधु था, भाई कोई साधु दूसरे साधु के साथ गए जहाँ पर साधु संत महात्मा के घर में कोई कीर्तन हो रहा था, तब संत महात्मा के पास गए तो जानते हैं आप लोग सब लोग के 100-100 रुपया जो है वो दक्षिणा देने लगे। उसके पास जब आ गया है कैसे नहीं, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैंने यहीं पर रख दो है, आज मैं तो कर मैं पर्सन नहीं करता, मैं सब पैसा पर्सन नहीं करता। अच्छा तो दूसरे साधु कह रहे अच्छा ये तो पर्सन नहीं करते, वो इसको दूसरे साधु उसको उठा लिया, वो कह रहे तो मतलब गया तो कहते पर्सन ही करते हैं किंतु कपड़े में बांधते हैं। बोले पर्सन ही करते बांधते, बोले नहीं भगवान की इस्लाम भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद कहते हैं सभी वस्तु भगवान की सेवा मानकर सेवा जानकर उसके सेवा में लगाओ है, युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य होना चाहिए है, भगवान की सेवा में लगाओ है, किताब छाप दो गुरुदेव की कथा छापो, हरि कथा छापो करके सबके पास भेज, छापने की पैसा लगेगी नहीं लगेगा, फ्री में कोई करता है, तो हम ये पैसा किस में लगाए? प्रचार में लगा, कहने कहते नहीं नहीं महाराज, अरे नहीं नहीं कैसे भगवान की सेवा में लग, हजारों लोग ग्रंथ पढ़ेंगे है, हजार लोग की सेवा होगा है, इसलिए कहा जाता है क्या बृहत मृदंग सेवा, हमारे भक्तियंत प्रभुपाद क्या कहते हैं बृहत मृदंग सेवा है, गुरु वैष्णव की कथा को हम लोगों के निकट पहुंचा दे, इसी के कहा जाता है वैकुंठ्य वार्ता, वैकुंठ वार्ता जानते हो, वार्ता माने समाचार है, वैकुंठ माने सिर्फ जगत की कथा लोग नहीं जानते हैं उसी की हम जन जन लोग के निकट पहुंचा दे है। हमारे तो भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद कहते थे यदि मेरे पास यदि पैसा होते मैं एक हवाई जहाज खरीद लेते, हम तो एक कार खरीदने के पैसे भी नहीं है हमारे पास, भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद कहते हैं मेरे पास ये पैसा हो क्या करूँ, उसमें आप तो जीवनी में लिखा है, उन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा
यदि मेरे पास एक पैसा होते तो मैं एक हवाई जहाज खोल एरोप्लेन खोल लू। एरोप्लेन में कितना पैसा लगता है? कितना करोड़ रुपए का लगेगा? है दो पांच लाख रुपए की दस लाख में तो एक तो कार मिल जाएगी, है ऐसा छोटा सी कार मिल जाएगा, जैसे इनके एक कार मिल गया। कितना है? टेन लाख है, वो भी छोटा कार है। और भक्तिशांत प्रभुपाद क्या बोले, हमारी कथा नहीं है, उन्होंने लिखा एक प्लेन खोल दो तो उनके बता आप साधुओं के प्लेन क्या करोगे? बोले प्लेन में जल्दी जल्दी पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक मैं पहुंच जाऊंगा और हरी कथा सबको बोल दूंगा, भगवान की जय वैकुंठ वार्ता मैं सबको। देखो हमारी इसी के कहा जाता है युक्त वैराग्य, एक युक्त वैराग्य होता है और एक फल्गु वैराग्य होता है। युक्त वैराग्य भगवान की वस्तु भगवान में लगाओ, ईसावस्य सर्वमिदं जत किंचन जगत जगत तेन सत्ता वंजित मा वृद्ध कस्य सिद्धनम। ईसावस्य सर्वमिदं, ये संसार भगवान की है, जितने वस्तु देख रहे हैं सब प्रभु का ही है, प्रभु के सेवा में लगा दो, तुम्हारे थोड़ी है। भगवान ने दिया और भगवान की सेवा में लगाओ, ऐसे और भगवान के नाम करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये हमारे अशुद्ध प्रेम, देखो एक मैगजीन प्रकाश करते हर साल, सबको भी दे देते है, प्रकाश है, प्रचार होनी चाहिए, गुरुदेव की कथा, गुरु वैष्णव की कथा, गुरु परंपरा की कथा है, लोग करते रहे तब तो सब हमारे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। इसलिए बृहद मृदंग जानी पत्रिका प्रकाशित है, ग्रंथ अच्छा है, भक्ति वेदांत स्वामी मारे करीब 10 सालों में किया, सारा विश्व में प्रचार किया। कैसे प्रचार किया? इस बृहद मृदंग के द्वारा। ये जहाँ मृदंग बजते हैं ना, ये कहाँ तक शब्द जाते हैं? 5 मीटर तक जाते हैं, यहीं से ज़्यादा नहीं जाते। किंतु भगवान की कथा, गुरु वैष्णव की कथा है, इसमें कहा जाता है बृहद मृदंग सेवा का ग्रंथ आदि डोगरी बात जन जन में पूछा जाता है, तो गुरु वैष्णव की कथा। इसलिए हमारे देखो भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी के जीवन चरित्र हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, उन्होंने प्रभुपाद के सारे ग्रंथ को जो है लिखते थे है। प्रभुपाद के जितने ग्रंथ उस समय जो है भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज है उन्होंने लिखते थे, ट्रांसक्रिप्शन करते थे है। ऐसा जैसे उस दिन कह रहे थे ये इतने ग्रंथ सेवा में व्यस्त रहते थे है, नाम करने में उसके समय कम हो जाता था। एक दिन भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज है अपने गुरुदेव भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के पूछा, ये गुरुदेव ये मुझे समय है हमें थोड़ा नाम करने के समय कम हो जाता है। बोले कितना नाम करते? बोले 64 माला करते, यदि आप आदेश दे थोड़ा नाम कर देता है। तो प्रभुपाद ने क्या कहा? बोले कितने घंटे सोते हो? बोले 3 घंटे सोता हूँ। 21 घंटे सेवा में लगते थे और 3 घंटे प्रभुपाद ने क्या कहा? 1 घंटा तुम्हें सोना कम कर दो, नाम कर दो, सेवा भी करना पड़ेगा और 64 माला नाम भी करना पड़ेगा और हमारे पत्रिका सेवा करना पड़ेगा। देखो हमारे प्राचीन गुरु वर्गों की आदर्श है। हम तो कहते हैं महाराज है, थके हुए नहीं, नींद आ रही, नींद आ, अच्छा नींद आते सो जाओ है, सेवा में लगो है। यही सेवा करते करते तुम्हारे अनुभव है भगवान की सेवा में सकते। इसे कहते हैं ईशावश्य सर्वमिदम जतकिंचित जगत तंग तेने तत्ता भुंजा मा घृत कष्ट सिद्धनम है। सब प्रभु के पुस्त प्रभु के सेवा में लगो। और मकर वैराग्य ऊपर से दिखाते हैं, मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए है, आ समझ में नहीं, और इधर कहते हैं क्या मुझे चाहिए नहीं। इसलिए महाप्रभु ने क्या उपदेश दिया? मकर वैराग्य करो ना देखा लोग दिखाइया यथा योग्य विषय भंज अनासक्त हुआ अंतर निष्ठा करो बाज्य लोग व्यवहार अचिराते कृष्ण तुम्हें करिवेन उद्धार। इसलिए मैं रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा सुनाया,
ये रघुनाथ दास गोस्वामी हरिदास ठाकुर के संग प्राप्त और नाम करते थे, नाम में नाम क्या करते, वैराग्य बना देते थे। वास्तव वैराग्य हुआ कि नहीं हुआ? वैराग्य तो हुआ ही नहीं है, नाम में तो रुचि नहीं हुआ, तो ऊपर से मरकर वैराग्य कोई फायदा नहीं है। रघुनाथ दास को तो देखो, रघुनाथ दास को ऐसे लोग शिक्षा दे चैतन्य महाप्रभु, रघुनाथ जी लक्ष्य, रघुनाथ दास भी कहने लगे चैतन्य महाप्रभु को, मैं घर संग से मेरा अच्छा नहीं लगता है, मैं छोड़कर ही चले गए। महाप्रभु ने क्या कहा? अरे नहीं रघुनाथ, तुम घर में रहो, मर कर वैराग्य करो ना, देखो लोग दिखाइए दूसरे के दिखाने के लिए वैराग्य करके कुछ फायदा नहीं, बंदरों की भांति वैराग्य नहीं। यथाजुग को विषय भूंजो अना सकते हैं, अपने घर में माता पिता की सेवा करो, हरिनाम करो, जो जो अपने कार में नौकरी है तो नौकरी करो, ठीक है, उससे तुम्हारे कल्याण है, कल्याण है। गुरु वैष्णव जानते हैं तुम्हारे किसमें कल्याण है, जिसमें कल्याण है तुमको सदउपज देते हैं। कलिकाल के शिष्य क्या है, गुरु के ऊपर और गुरु के शिक्षा देना शुरू कर दिया, ये करना है वो करना है। अरे मूर्ख, तुम जानते नहीं हो, तुम्हारे अभिज्ञता 2 साल की हुआ ही नहीं अभी तक, समझ गए? 2 साल तुम तो आया ही नहीं अभी तक, 3 साल तो आया ही नहीं, क्या तुम्हारी अभिज्ञता, कितना आने आया और कितना चला गया जानते नहीं। इसलिए जो गुरु वैष्णव तुम्हें बोलते हैं उसके पालन करो, उसमें तुम्हारे कल्याण है, भजन करो, अपने स्वतंत्रता को मन बुद्धि को छोड़ दो और गुरु वैष्णव के आदेश के पालन करो, भजन करो, समझ। माता पिता के सम्मान करो, गुरुजनों के सम्मान करो, जो गुरुजनों के सम्मान नहीं करते भगवान के क्या करें, और निर्विशेषवादी मत बन जाएंगे। इसलिए भक्तिदानंद प्रभुपाद का अपने माता पिता गुरुजनों के सम्मान करो, हरिनाम करो, गुरु वैष्णव जैसे बोलते उसके आदेश पालन करो, अपने तर्क बुद्धि के छोड़ दो, जिसमें तुम्हारे कल्याण होगा वही तुम्हें बताएंगे, और इसी नाम करते करते इसे चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास के लक्ष्य करके क्या कहा, ये मरकट वैराग्य को नाम देकर लोग दिखाइए, यथाजुग विषय भंज अना सकते हैं, अंतर निष्ठा करो बाह्य लोग व्यवहार, पहले चित्त के स्थिर करो, जिसके चित्त स्थिर ही नहीं हुआ है तो क्या करे, चित्त स्थिर करो, चित्त के स्थिर करना पड़ता है, बोले चित्त स्थिर कैसे होगा, अभ्यास है वैराग्य की, अभ्यास करो, भगवत भजन करो, भजन करते करते सब ठीक। इसलिए महाप्रभु रघुनाथ दास से लक्ष्य करके सभी को हमें ये शिक्षा दी, ये भजन कैसे प्रणाली सिखाई, गुरु प्रेमानंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 आधार मन गिरिधारी गिरिधारी सहम बनो भारी, मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी सहम बनो भारी, मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी सहम बनो भारी, मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी सहम बनो भारी, हरे कृष्ण हरे
खत्म करके किस बजे 7:30 हमारे पास लिया, फिर 6 घंटा बस में हम लोग चलते रहे सारे रात, फिर 4 बजे आकर के एयरपोर्ट में आ गए ऐसे अहमदाबाद, फिर प्लेन पकड़ करके इधर आ गए दिल्ली पहुंचे 9 बजे मठ में पहुंच गए, फिर आप इधर आ गए। देखो ये लोग कितने परिश्रम किए हैं, इन्होंने कहा जी आपके खबर प्रोग्राम में चलते हैं, कोई मुझे बुलाए मैं कभी डिनाई नहीं करता, मेरा जीवन कैसा अच्छा है, मैं तो विदेश में जिस समय उतारता हूँ उसी समय जाकर के प्रवचन शुरू कर दिया था। तेज वाला भजन हो गया बस, कर रहा है भजन तेज वाला। अच्छा तेज वाला भजन करो आप, इधर बोले के शिव वो गाएंगे एक तेज वाला बोल रहे वेरी फास्ट भजन very high tempo high tempo और जोर से करो हरि नाम करो राधे 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 जय 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 श्री राधे train looks like everyone is going behind like opposite so in the same way I didn't get the comparison in the same way the jivas in this world what's the comparison between the train everything Jeeva, this is called the brahm brahmane illusion I am sitting and I am fixed I am not running train is not running who is running everything else everything else and they are going behind me behind. And when you are sitting on the train that time you are thinking I am fixed and I am not going ahead which and all the and trees and houses they are moving back moving fast behind to me this is called his word illusion actual train is running for and ahead you also running train is running or you also there but you are thinking that yeah, I am staying in one place are all they are running faster than me and they are going where moving back moving behind this is called your illusion in the same way conditioned soul that this is called illusion we are very run fast going to one body to another body this body male body to female body this body many bodies you are going but we are thinking no we are staying in one place this is not true illusion is coming भजन करो मेरे को डांस करना है हाँ डांस करो बोलो सब खड़े आरती तो करे आरती के बाद डांस कर दे ठीक है आरती ये कूदना है किशन जी के लिए कूदना है इसके किशन जी की कूदना कूदना पड़ेगा इसको फास्ट आरती आरती हैंड माइक ए माइक नहीं है केवल I'm not.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
और प्रेमानंद माइक से शब्द नहीं होता क्या साउंड नहीं मेरा माइक उधर रह गया ना कॉल आ जाएगा उसके साउंड अच्छा है बोलो शिला गुरुदेव की जय जय गुरुवर्ग की जय हरिनाम संकीर्तन की जय गौर प्रेम ओम वृंदावन तुलसी ने कोई किया कृष्ण भक्ति बने सत्य नमो नमः आज की आनंद की जय।